हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक स्टार ब्यूटी खान के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ ही दिन पहले टिकटॉक पे ब्यूटी खान काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई थी। ब्यूटी खान का टिकटॉक पे फैंस फॉलोवर 11 मिलियन क्रॉस कर चुका था और अचानक से ब्यूटी खान का टिकटॉक अकाउंट हैक हो जाता है। तो मैं आज के वीडियो में आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ जो ब्यूटी खान का टिकटॉक अकाउंट हैक हो चुका है, और ये भी बताऊंगा टिकटॉक का अकाउंट उसका हैक कैसे हुआ, हैक होने से आप कैसे बच सकते हैं। यदि आप लोग टिकटॉक यूजर है तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यदि आप टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करते हैं और यहाँ पर आप सर्च करेंगे ब्यूटी खान 50x, तो यहाँ पर आपको ब्यूटी खान के से ओरिजिनल अकाउंट था जिस पे 11 मिलियन फैंस फॉलोवर था, वो अकाउंट नहीं मिलेगा, वो अकाउंट हैक हो चुका है। तो ये कैसे हुआ हैक, और आप यदि आप टिकटॉक यूजर है तो आप हैक होने से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको सबसे पहले लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि टिकटॉक अकाउंट हैक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो सिंपल, जब आप टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करेंगे और यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो आपको ब्यूटी खान 50x के नाम से जो टिकटॉक ओरिजिनल अकाउंट था, वो अकाउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप उनके साथ ड्यूट किए हैं या फिर उस वीडियो को लाइक करके रख रखे हैं, तो उस वीडियो को ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 11 मिलियंस फैंस फॉलोवर था, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, सिर्फ वीडियो जो ड्राफ्ट में सेव है वो सेव दिखा रहा है। और जब उसके जहाँ से हम YouTube अकाउंट या फिर Instagram लिंक ऐड करते हैं, वहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो हम उनके Instagram पे चले जाते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप ब्यूटी खान ने यहाँ पे अपने स्टोरी में लगाया है, हमारा TikTok अकाउंट हैक हो चुका है, प्लीज़ हेल्प मी, कुछ इस तरह से आपको पता चल गया होगा उसका TikTok अकाउंट हैक हो चुका है। तो आप लोग इसे हैक होने से कैसे बच सकते हैं, यदि आप लोग TikTok यूजर है तो सबसे पहले TikTok एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मी पे क्लिक करना है। मी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऊपर साइड से 3 डॉट का, सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करना है और मैनेज माई अकाउंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मोबाइल नंबर मिल जाता है, तो आपको मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई यहाँ पे कर लेना है। और आपको ध्यान रखना है, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अटैच करना है, वो मोबाइल नंबर किसी अनजान व्यक्ति को या फिर जानने वाले व्यक्ति को आपको नहीं बताना है। यदि आप बताते तो आपके जानने वाले ही टिकटॉक अकाउंट को आपको हैक करने की कोशिश करता है। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे अटैच करना है, सिंपल आपको ईमेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टाइप करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, और आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, सिक्योरिटी अलर्ट, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारा टिकटॉक अकाउंट 7 डे के अंदर में कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया है। और इसके बाद यहाँ पे माई ड्राइवर पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा टिकटॉक अकाउंट जो है 7 डे के अंदर में इस फोन में लॉग इन है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल का मॉडल नंबर भी आपको दिखा देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे जो हम यूज कर रहे हैं वीवो में, तो यहाँ पर आपको मॉडल नंबर भी शो कर रहा है। तो इस तरह से यदि 3 से 4 अगर स्टेप आप फॉलो करते हैं, आपका टिकटॉक अकाउंट हैक होने से बच सकता है। और मैं आपको बता दूं कि फाइनली टिकटॉक अकाउंट ब्यूटी खान का हैक हो चुका है, लेकिन वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, तो इनका एक ही रास्ता है, टिकटॉक टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा और वापस आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। लेकिन जैसे ही इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।